हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे अभी कल की आरबीआई की मौद्रिक नीति पे। कल आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी जारी किया। आप जानते हो कि मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने पे आपकी जारी की जाती है। तो कल की मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई ने इंक्रीमेंटल सीआरआर को लाया। ऐसा नहीं है कि आईसीआरआर पहले नहीं आया था, पहले भी आ चुका है ये इंक्रीमेंटल सीआरआर। 8 नवंबर 2016 को जब विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उस समय आरबीआई ने इंक्रीमेंटल सीआरआर को टेम्पोररली लाया था, जो 100% उस समय था। अभी फिर आरबीआई ने इसको क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। तो अभी हम समझेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आरबीआई ने अगेन इंक्रीमेंटल सीआरआर को लेकर के आरबीआई आई है। तो पहले हम आईसीआरआर के बारे में जानते हैं, ठीक है। जो इंक्रीमेंटल सीआरआर है, ये कैश रिजर्व रेशियो, जो सीआरआर कन्वेंशनल आपका चलता चला आ रहा है, उसी की तरह ये भी होता है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? तो कैश रिजर्व रेशियो में बैंक को पब्लिक का जो भी पैसा बैंक के पास डिपॉजिट होता है, उसका कुछ हिस्सा इनको आरबीआई के साथ कैश के रूप में, नगद के रूप में मेंटेन करना होता है। जैसे मान लो कि पब्लिक ने 100 रुपया जमा किया है बैंक में, तो 100 का इस समय जो सीआरआर है 4.5% है, तो 4.5% इनको, यानी 4.5 रुपए आरबीआई के पास कैश के रूप में मेंटेन करना होता है। यही होता है कैश रिजर्व रेशियो। इससे बैंक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बैंक की जो लेंडिंग कैपेसिटी होती है, अगर जो सीआरआर बढ़ेगा तो बैंक के लोन देने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि बैंक के पास जो अवेलेबल फंड होते हैं वो कम हो जाते हैं, इसलिए बैंक लोन आपका नहीं बांट पाता है। तो आरबीआई समय समय पर सीआरआर को बढ़ा के घटा के महंगाई को नियंत्रित करने में इसका मदद लेती है, क्योंकि जब सीआरआर बढ़ जाएगा तो बैंक लोन नहीं दे पाएगा, लोन नहीं देगा तो निवेश कम होगा, डिमांड कम होगी, अपने आप ही क्या हो जाएगा आपका, या पब्लिक को भी जो लोन दिया जा रहा है, ठीक है, जब पैसा आपका उपलब्ध नहीं होगा तो बैंक जाहिर सी बात है महंगे ब्याज दर पे लोन देंगे, पब्लिक लोन कम लेगी, खर्च कम करेगी, मांग कम होगी, महंगाई क्या हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है। तो उसको आरबीआई यूज करती है। अभी आरबीआई ने इंक्रीमेंटल सीआरआर लाया जो सीआरआर की तरह है, बट ये टेम्पररी है। 10% आरबीआई अभी लेकर के आई है, ठीक है, ये टेम्पररी है, ये सीआरआर के अलावा 10% है आपका। समय के साथ आरबीआई इसको वापस ले लेगी। इसको क्यों लेकर के आई, तो अभी 2000 रुपए का नोट आरबीआई क्या कर रही है, वापस ले रही है, ठीक है। बैंक में काफी पैसा आपका जमा हुआ है, 2000 के नोट आपके जमा हुए, बैंक में लिक्विडिटी बढ़ गई, तरलता बढ़ गई है। अब बैंक के पास जाहिर सी बात है जब पैसे बढ़ेंगे तो अपने पास तो रखेगा नहीं, वो उसको लोन में ही घुमाएगा। अब लोन बढ़ जाएगा तो फिर महंगाई बढ़ने के चांसेस आपके ज्यादा हो जाएंगे। ऑलरेडी आपका महंगाई चली रही है, ओवरऑल महंगाई तो कंट्रोल्ड है, बट जो फूड वाला इन्फ्लेशन है, खाद्यान्न वाली जो महंगाई है, वो आपकी इस समय ज्यादा दिख रही है और वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो आरबीआई महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहती है, इसके माध्यम से आरबीआई ने इंक्रीमेंटल सीआरआर इसीलिए लेकर के आया 10%, कि अब बैंक को सीआरआर जो 4.5% चल रहा था उसके अलावा भी 10% और कैश के रूप में रखना होगा। यानी जो भी पैसा जमा हुआ है, 2000 के नोट जो आपके जमा हुए, उसमें से जितना भी जमा हो रहा है उसका 10%, यानी 100 रुपए जमा हुआ है तो 10 रुपए और एक्स्ट्रा नगद के रूप में आरबीआई के पास मेंटेन करना होगा, वो पैसा आरबीआई लोन में नहीं बांटेगी, ठीक है। यही है इंक्रीमेंटल सीआरआर। तो क्या आरबीआई ने कोई और टूल नहीं यूज किया था कि जिससे वो पैसा जो एक्स्ट्रा आपका आया हुआ है, लगभग 2.11 लाख करोड़ इस समय एक्सेस लिक्विडिटी है बैंक में, ठीक है, तो उसको वापस लेने का कोई और टूल नहीं यूज किया था? तो आरबीआई ने किया था वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट। आप जानते हो कि रिवर्स रेपो रेट खैर इस समय तो आउटडेट है, लेकिन उसका वेरिएबल फॉर्म करके आरबीआई यूज करती है ऐसे ही मार्केट से तरलता लिक्विडिटी को वापस लेने के लिए आपका। तो रिवर्स रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे बैंक अपने पैसे को आरबीआई के पास जमा करते हैं या आरबीआई को लोन देते हैं। तो आरबीआई ने वेरिएबल यूज किया था। वेरिएबल में क्या होता है कि जो रिवर्स रेपो रेट है उससे थोड़ा सा ज्यादा आरबीआई क्या करती है, ब्याज जनरली दे देती है। तो ये लोग उस पे अगर जो आरबीआई ने ऑक्शन किया तो ये लोग पैसा वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट पे आरबीआई में जमा नहीं किए, तो आरबीआई का वो टूल फेल कर गया। तो फिर आरबीआई को मजबूरी बस इंक्रीमेंटल सीआरआर लाना पड़ा और आरबीआई ने बोला कि चलिए ठीक है, आप पैसे नहीं जमा कर रहे हैं तो अब आईसीआरआर के फॉर्म में पैसे को रखिए, नहीं तो आप लोगों के पास होगा तो आप लोन में क्या करोगे, बांटोगे। तो यही है इंक्रीमेंटल सीआरआर, जो टेम्पररी है, समय के साथ आरबीआई इसको वापस ले लेगी, ठीक है। एक और नई चीज आरबीआई ने कल के मौद्रिक नीति में आपको इंट्रोड्यूस किया, वो खैर टेक्नोलॉजी पुरानी है लेकिन उसको यूपीआई के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो क्या है आपका, तो एनएफसी है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या है, आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि यूपीआई के साथ एनएफसी को आप इंटीग्रेट करिए। इसमें होता क्या है कि दो डिवाइस बिना इंटरनेट के अगर जो क्लोजर हो जाए, मतलब 4 सेंटीमीटर से कम आ जाए, तो उनका कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम पेमेंट करते हैं कभी यूपीआई से, तो बेसमेंट में है तो वहां पे नेट नहीं मिलता है, फिर पेमेंट हमारा नहीं हो पाता है। तो अगर जो उस केस में
इंटरनेट नहीं चल रहा है तो आप एनएफसी टेक्नोलॉजी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप भुगतान कर सकते हो, उसमें इंटरनेट की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको आरबीआई क्या कर रही है, ऐड कर रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है। बाकी जो रेपो रेट है वो एज इट इज जैसे पिछला था वो अभी भी है, 6.5% आरबीआई ने रखा हुआ है। और आप जानते हो कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट 0.25% बढ़ के 6.75 है, वो एज इट इज ही है। बाकी जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो रिवर्स रेपो रेट की जगह पे आ गया आपका, ठीक है, वो -0.25%, 6.25% आपका है, रिवर्स रेपो रेट आउटडेट हो चुका है, उसको वेरिएबल रिवर्स रेपो रेट की तरह आरबीआई यूज कर रही है। और अभी यहाँ पे क्या करी थी, यूज करी थी। हाँ, एक चीज और है, इंक्रीमेंटल सीआरआर जो आरबीआई 10% लेकर के आई है, जो एक्स्ट्रा इनको 10% अपना कैश के रूप में रखना है, आरबीआई के साथ मेंटेन करना है, इससे जो 2.11 लाख करोड़ लिक्विडिटी मार्केट में, उसका 1 लाख करोड़ तो आरबीआई क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी इसी 10% से आपका। तो इस तरीके से ये रहा आपका ICRR जो अभी आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया, और ये हमेशा न्यूज में आता रहेगा और रहता है, आप थोड़ा सा ध्यान में इसको रखिए, मे बी इस पे क्वेश्चन आपका बन जाए।